हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिट नंबर 10, द एस ब्लॉक एलिमेंट्स. एंड टुडे अवर लेक्चर नंबर 6. सो वी कंटिन्यू विथ अवर टॉपिक इज अ 10.2.2. एज वी नो दैट अवर टॉपिक 10.2.2 इज मेनली डिपेंडेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अबाउट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ द अल्कली मेटल्स. इन प्रायर लेक्चर्स in the 10.2.1 we studied about the oxides and hydroxides of the alkali metals. So in this portions of oxides and hydroxides we already studied that all the alkali metals, their oxides, peroxides and superoxides, they are readily dissolved in water to produce their corresponding hydroxides, and these hydroxides are a strong alkalis in nature. Number two, peroxides and superoxides is also act as an oxidizing agent because they react with water and they form a hydrogen peroxide and oxygen. Number three, the hydroxides of all the alkali metals are white crystalline solids and they are strongest of all bases and readily dissolve in water with the evolutions of much heat because it's exothermic reactions always. Okay, then basic strength from lithium hydroxide to cesium hydroxides is increasing due to their lower ionization enthalpy. Then we talk about the solubility and stability because all the hydroxides are highly stable in water and thermally stable except lithium hydroxide. And then the formations of salts with acid, like with all acids, right? HCl, H2SO4, HNO3, and they're forming a salts, and all these salts are colorless ionic solids and they are soluble in water. So this is the highlights, or this is the quick recap of 10.2.1 regarding to the hydroxides and their oxides. Okay, now today our topic is 10.2.2, is halides. So halides, which is given in your book, and at presently I express my extra views regarding to the halides. Okay, main yahan pe apna thoda aur यहाँ पे अपना एफर्ट्स यहाँ पे डालूंगा. वी नो दैट ऑल द अल्कली मेटल्स कंबाइन्स डायरेक्टली विथ हेलोजन अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस फॉर्मिंग हैलाइड्स ऑफ द जनरल फॉर्मूला. यानी जो भी है मेरे पास हेलोजन होके तो वो एमएक्स टाइप के ही होंगे, क्योंकि हेलोजन की वैलेंसी माइनस होती है, अल्कली की प्लस होती है, तो वो एमएक्स है. तो हम उसको इस तरह से एमएक्स की तरह भी हम दिखा सकते हैं, राइट. And these halides can prepared by the actions of aqueous halogen acids on metal oxides, hydroxides or carbonate. हम इसको किस तरह से बना पा रहे हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ. मेरे पास एक ऑक्साइड्स है या अल्कली का ऑक्साइड्स है. हमें मालूम है जो भी अल्कली के ऑक्साइड्स होते हैं ना, वो बेसिक इन नेचर ही होते हैं, तो एसिड के साथ जुड़ के, जैसे मेरे पास कोई भी एसिड्स है, राइट, ये मिनरल एसिड्स है, तो उसके साथ वो जुड़ के वो एमएक्स और H2O में चला जाएगा. ये एक मेथड है ऑक्साइड के साथ. एक हाइड्रोक्साइड के साथ भी हम ऐसा ही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि एनी हाइड्रोक्साइड्स आर स्ट्रॉन्ग अल्कली इन नेचर, सो विच इज ऑल्सो रिएक्ट विद HX लाइक HCl, HBr, HF, HI. सो इट्स कन्वर्टेड इन टू द रिस्पेक्टिव हेलाइड एंड वॉटर इज रिलीज. तीसरा मेरे पास है जो भी उसका कार्बोनेट होता है, यानी वो भी मुझे मालूम है कि जो भी अल्कली के कार्बोनेट होते हैं, विच इज अल्कलाइन इन नेचर, सो डेफिनेटली दे रिएक्ट्स विद वाटर एंड कन्वर्ट इनटू देयर रिस्पेक्टिव हैलाइड्स एंड लिबरेटेड कार्बन डाइऑक्साइड इन H2O. क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी कार्बोनेट कंपाउंड हो, अगर हम उसको एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो या कार्बोनेट हो या बाई कार्बोनेट हो, जो भी हो, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा. समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे एम क्या है हमारा, मेटल क्या होती है यहाँ पे, जैसे मैंने अभी बोला लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, और एक्स हमारी पार्टी क्या है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है. क्लियर? अभी देखिए जो भी है कितने बनेंगे. देखिए लिथियम है वो चारों से जुड़ेंगे, ले फोर, इसके भी चार, इसके भी चार, इसके भी चार, इसके भी चार, यानी एक दो तीन चार पांच के चार, यानी 20 कंपाउंड्स की हम बात कर रहे हैं, राइट. सो जो भी कंपाउंड है मेरे पास, सो ऑल दीज हैलाइड्स, जो भी हमारे पास हैलाइड्स है, राइट, दे आर कलरलेस, उसमें कोई कलर नहीं होता है, दे आर कलरलेस. उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि जो भी है वो आयनिक कंपाउंड होने की वजह से उसका बॉन्ड बहुत टफ होता है, यानी बहुत मजबूत होता है, तो उसकी वजह से वो हाई मेल्टिंग पॉइंट है. फिर वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स
ये जो है वो क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं. क्लियर? ओके. हैविंग हाई नेगेटिव एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन. तो उसकी जो फॉर्मेशन एंथैल्पी होती है वो क्या होती है, हाई नेगेटिव, हाई नेगेटिव एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन. एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन यानी उसका फॉर्मेशन जब भी होगा तो वो ज्यादा से ज्यादा अपनी हीट है या अपनी एनर्जी है वो रिलीज कर देगा. राइट? लेकिन मैंने अभी आपको एक बार बोला था कि जैसे मेरे पास डेल्टा एच एफ स्टैंडर्ड की जो वैल्यूज होती है, राइट, फोर फ्लोराइड, राइट, दे बिकम लेस. बट दिस लेस नेगेटिव एज वी मूव डाउन द ग्रुप, वाइल फॉर क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड दिस बिकम मोर एंड मोर नेगेटिव. मैं आपको अभी इसका एक मैं अपनी तरह से दिखाना चाहता हूं, आपको मैं डेटा दिखाना चाहता हूं कि डेटा हम देखेंगे ना तो हमें ज्यादा पता चल जाएगा. डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है लेकिन उसकी जो पैटर्न होती है वो हमें देखने की बहुत जरूरत है. जैसे मेरे पास यहाँ पे MBR है और यहाँ पे मैंने MI लिया हुआ है और यहाँ पे जो मेटल है वो है लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबीडियम है और सीजियम. समझ में आ गया? अभी मैं लिथियम का जो फ्लोराइड है तो उसका क्या होता है 612, यहाँ पे क्या होता है 398, यहाँ पे क्या होता है 350 और इसका क्या होता है 271. क्योंकि जैसे जैसे वो नीचे जा रहा है कम हो जा रहा है क्योंकि आयन की साइज बढ़ रही है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की साइज बढ़ने की वजह से. उसी वजह से मैं जैसे मैं यहाँ पे 569 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 400 में चला जाएगा. यहाँ पे -360 है और यहाँ पे -288 है. यहाँ पे देखिए पोटेशियम के साथ क्या हुआ, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे नीचे जा रहे हैं साइज बढ़ती जा रही है. समझ में आ रहा है? यहाँ पे 428 है, यहाँ पे -392 है और यहाँ पे -328 है. ये जो भी डेटा मैं अभी आपको दिखा रहा हूं वो सभी किलो जूल पर मोल में है. किलो जूल पर मोल की मैं बात कर रहा हूं, जो हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशंस विद मेटलिक हैलाइड्स. राइट? रुबीडियम में हम दिखा रहे 549 है, यहाँ पे 423 का डेटा है. यह डेटा कुछ भी हमारी बुक में नहीं दिया हुआ है लेकिन आपको पैटर्न के लिए मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूं. यहाँ पे भी देखिए सीजियम है -531 यानी -424, -395 और -337 है. तो आपको समझ में आ गया जैसे 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 यहाँ पे हम नीचे जा रहे हैं तो उसका माइनस बढ़ रहा है. इस तरह से भी आप देखिए यहाँ पे जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं तो उसका माइनस का, तो आपको एक पैटर्न देखनी होगी इसमें से. तो ये जो टेबल है जो हम इसको देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो फ्लोराइड होता है जो जो वैल्यूज है, तो फ्लोराइड से क्लोराइड, क्लोराइड से ब्रोमाइड और ब्रोमाइड से आयोडाइड की तरफ हम जैसे जैसे चले जा रहे हैं तो उसकी डिक्रीज हो जा रही है. राइट? द वैल्यूज डिक्रीजेस. समझ में आ रहा है? तो ये वैल्यूज कम हो जा रही है. राइट? फ्लोराइड्स आर द मोस्ट स्टेबल. जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि ये जो फ्लोराइड है वो क्या हो गए, मोस्ट स्टेबल कंपाउंड है. लेकिन आयोडाइड जो हो गए वो लीस्ट स्टेबल है, लीस्ट स्टेबल है. तो पहले आपको ये पता चल गया. दूसरा जो ट्रेंड है, जैसे मैं अभी आपको, क्योंकि मुझे यहां पे 20 कंपाउंड्स की बात करनी है तो मैं आपको एक ट्रेंड दिखाना चाहता हूं. जैसे मैं मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड दिखाना चाहता हूं, बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड दिखाना चाहता हूं, सॉल्युबिलिटी की भी बात मैं यहां पे करना चाहता हूं क्योंकि यहां से ही MCQ अच्छी तरह से पूछी जा रही है. राइट? तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कली मेटल हैलाइड्स, तो उसको मुझे समझना है. ये ट्रेंड मुझे यहां पे समझना है तो ये ट्रेंड के लिए भी आपको कुछ समझना पड़ेगा. राइट? तो मैं यहां पे आपको स्टेप, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है, फिर से मैं आपको दिखाना चाहता हूं. ये परफेक्टली NTA का ही प्रोग्राम में चला रहा हूं यहां पे ताकि आपको पता चल सके. लेकिन आप देखेंगे आप जैसे आपकी कोई भी बुक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बुक है, तो यहां से कैसे किस तरह से क्वेश्चन निकाले जाता है कि फॉलोइंग विच मेटालिक हैलाइड कंपाउंड और अल्कली मेटल हैलाइड कंपाउंड हैविंग अ हायर बॉइलिंग पॉइंट और यू हैव टू शो द ऑर्डर ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द सॉल्युबिलिटी, कुछ भी यहां पे पूछ सकते हैं. लेकिन उसके लिए आपको तीन फैक्टर की जरूरत पड़ेगी. एक आपको पोलराइजेशन इफेक्ट समझना पड़ेगा, दूसरा आपको लेटाइस एनर्जी समझना पड़ेगा और तीसरा आपको हाइड्रेशन ऑफ आयन्स को भी समझना पड़ेगा.
तो मैं तीन फैक्टर्स की मैं बात कर रहा हूं, जैसे मैंने अभी आपको यहां पे मैं आपको दिखाना चाहता हूं पोलराइजेशन इफेक्ट्स, वो मैंने आपको फजान्स रूल में समझाया हुआ था। ये क्या है पोलराइजेशन इफेक्ट की मुझे जरूरत क्यों पड़ेगी, क्योंकि इट्स अ कंपैरिजन ऑफ आयोनिक एंड कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ अल्कली मेटल्स हैलाइड्स। मैंने अभी आपको पोलराइजेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हम ऐसा हम सोच रहे हैं कि ये जो कंपाउंड है वो आयोनिक है, लेकिन आयोनिक में भी कोवेलेंट नेचर हो सकता है ना। तो मैंने आपको एक बार समझाया था कि एक जो कैटाइन होता है वो जैसे अप्रोच करता है राइट टू एनायन, तो क्या होता है, जैसे मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं, मेरे पास है एक एम प्लस है, मेरे पास एक एम प्लस के का कैटाइन है, देखिए ये एम प्लस वाला कैटाइन है, और मेरे पास एक हेलाइड होता है, तो हेलाइड में यहां पे इस तरह से मैं दिखाना चाहूं, देखिए ये थोड़ा बड़ा वाला है, तो मैंने अभी आपको क्या दिखाया, ये एक्स माइनस है राइट। अभी एक्स माइनस का ये जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये कैटाइन है और ये एनायन है, और ये एनायन अभी अनपोलराइज्ड है, अनपोलराइज्ड मैं यहां पे आपको दिखाना चाहता हूं, ये अनपोलराइज्ड एनायन है अभी, यानी इसकी साइज में या कुछ इसमें कोई भी डीनेचुरेशन नहीं हुआ है, लेकिन जैसे उसका जो साइज है हमें मालूम है कि वेन अ कैटाइन, ये कैटाइन अप्रोच इज एन एनायन, सो एट दैट टाइम द इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ द एनायन, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है एनायन विच इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स टू द कैटाइन, तो उसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, थोड़ा उसकी तरफ खींचेगा, सो हेंस गेट्स डिस्टॉर्टेड, उसको ही हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन बोलेंगे। सो वो जो पावर ऑफ होता है कैटाइन का कि वो किस तरह से अपनी तरह से कितनी स्ट्रेंथ से खींच रहा है, तो उसको हम पोलराइजिंग पावर बोलेंगे राइट। और जो इसका जो पावर है जैसे कितना एनायन पोलराइज हो रहा है, तो उसको हम पोलराइजेबिलिटी बोलेंगे, आपको समझ में आ गया था। तो इसका मतलब ग्रेटर द पोलराइजेशन प्रोड्यूस मोर इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द टू एटम्स, जैसे आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है कि अपना अपना में ही होता है, लेकिन यहां पे क्या होगा, जैसे वो अपनी तरह थोड़ा खींचता चला जाएगा, तो इससे क्या होगा, देखिए मैं आपको थोड़ा इस तरह से भी दिखाना चाहता हूं, देखिए ये माइनस हो गया है, अभी देखो इसका क्लाउड है ना वो थोड़ा वो, कब खींचेगा कैसे खींचेगा, इसका स्मॉल साइज जितना होगा तो वो इसको थोड़ा ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ खींचेगा, यानी जो हमारा कैटाइन है उसकी साइज कम होने की वजह से वो बड़े वाले एनायन का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, क्योंकि इसका बड़े वाला होने की वजह से उसके जो न्यूक्लियस था उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चाहे था वो उसको पूरी तरह से खींच नहीं पा रहा है, और उसका छोटा होने की वजह से वो उसको खींच रहा है, तो ये जो मैं अभी आपको यहां पे मैंने दिखाया वो क्या हो गया, पोलराइज्ड एनायन हो गया, दो पोलराइज एनायन होने की वजह से ये पोलराइजिंग कैटाइन हो गया है। तो ये जो फिनोमिना होने की वजह से क्या होगा कि जो इसका आयोनिक कैरेक्टर है, आयोनिक कैरेक्टर है वो कम हो जाएगा, और उसका कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाएगा। तो हमें मालूम है कि आयोनिक कैरेक्टर बढ़ने की मीन्स कम होने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बिल्कुल बिलो चला जाएगा। तो आपको यही देखना होगा ना कि ये किस तरह से हो रहा है। तो मैंने आपको एक बार समझाया था, पूरा फजान्स रूल में समझाया था कि आपको पोलराइजिंग इफेक्ट समझनी हो तो इसमें भी आपको ये पॉइंट्स, देखिए अभी तीन एजेंडा है, मैं आपको क्या हुआ क्लासिफिकेशन में चला जा रहा हूं। अभी मेरा टॉपिक क्या था, हैलाइड्स में हमें क्या देखना था कि भाई सर जी उसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सॉल्युबिलिटी का ट्रेंड मुझे दिखना है, तो उसके लिए आपको तीन इफेक्ट समझनी पड़ेगी, उसमें से फर्स्ट इफेक्ट है पोलराइजेशन इफेक्ट। अभी उसी पोलराइजेशन इफेक्ट में भी कौन से फैक्टर काम कर रहे हैं, तो ये फैक्टर काम कर रहे हैं साइज ऑफ द केटाइन। जैसे हमने बोला था कि स्मॉलर द केटाइन, जैसे मेरा केटाइन है वो जितना स्मॉलर होता है ग्रेटर इट्स पोलराइजिंग पावर, तो उसका पोलराइजिंग पावर क्या होगा, वो पूरी तरह से अपनी तरफ खींचने लगेगा, तो उससे क्या होगा, तो कि कोवेलेंट कैरेक्टर जो हम की बात कर रहे थे, कोवेलेंट कैरेक्टर वो बढ़ता जाएगा राइट। सो फिर से मैं लार्ज इज द कोवेलेंट कैरेक्टर, जैसे मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं, देखिए मेरे पास लिथियम क्लोराइड है, मेरे पास सोडियम क्लोराइड है, देखिए ये पैटर्न है पूरी पूछी जा रही है एग्जामिनेशंस में, ये रुबिडियम क्लोराइड है और ये सीजियम क्लोराइड है। इसमें कॉमन एजेंडा क्या है कि सर जी सभी में क्लोरीन 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 है, सभी हैलाइड्स है, आयोनिक बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स सभी में है, लेकिन इसमें कोवेलेंट नेचर की कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ रही है, तो कि हाजी बढ़ रही है, क्योंकि जैसे मैंने अभी आपको बोला कि लिथियम क्लोराइड है
तो लिथियम क्लोराइड जैसे कोवेलेंट कैरेक्टर यहां से मैं जैसे जैसे आगे आगे चला जाऊंगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज हो जाएगा। ये अभी कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसमें है, यहां से यहां से यहां से, यानी मैंने आपको कोवेलेंट कैरेक्टर की बात की थी, यानी ये जो लिथियम क्लोराइड है आपको यहां पे दिख रहा है विच इज मोर कोवेलेंट, मोर कोवेलेंट देन KCl और NaCl, ये तो पॉइंट है ही। दूसरा इस तरह से भी हम देखेंगे साइज ऑफ एनायन, ये तो साइज ऑफ द कैटायन की बात की थी लेकिन यहां पे मैं साइज ऑफ एनायन की भी बात करना चाहूंगा। सो साइज ऑफ एनायन में क्या होगा, लार्जर द एनायन, यानी एनायन की जितनी साइज ज्यादा होगी, तो मैंने बोला ना कि उसका जो पूरा होल्डिंग है अपने तरह वो कम हो जाएगा तो वो ज्यादा इस तरफ खींचने लगेगा, यानी एनायन जितना बढ़िया होगा बड़ा मीन्स लार्जर साइज में होगा सो ग्रेटर इज द पोलेराइजेबिलिटी, उसकी बढ़ेगी, यानी इससे उसका कोवेलेंट नेचर भी क्या होगा, कोवेलेंट नेचर यानी इसका कोवेलेंट कैरेक्टर हम देख रहे हैं वो भी बढ़ने लगेगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूं जैसे मेरे पास लिथियम आयोडाइड है, फिर मेरे पास लिथियम ब्रोमाइड है, फिर मेरे पास लिथियम क्लोराइड है और मेरे पास लिथियम फ्लोराइड है, सभी में लिथियम कॉमन है देखिए यहां पे, लेकिन आयोडीन की साइज बहुत ज्यादा होने की वजह से इसका जो क्लाउड था वो डिस्टॉर्टेड कर दिया है लिथियम ने, क्योंकि लिथियम की साइज बिल्कुल कम है और सभी में कॉमन ही है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि लिथियम अपनी तरफ पूरा अपना होल्ड करके खींचेगा, यानी लिथियम आयोडाइड आप देख रहे हैं तो लिथियम आयोडाइड में आपको कैरेक्टरिस्टिक्स क्या मिलेगी, हाँ, इसमें आपको कोवेलेंट नेचर दिखाई देगा, कोवेलेंट नेचर दिखाई देगा आपको, ये जो नेचर है सो लिथियम आयोडाइड लिथियम ब्रोमाइड लिथियम, तो ये जो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है तो कोवेलेंट नेचर डाउन हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है, ये इसकी सीरीज है। अब हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं कि आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से, तो यहां से हम ऐसे कर देंगे तो आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी बढ़ जाएगी। तीसरा भी एक फैक्टर यहां पे काम कर रहा है पोलराइजिंग इफेक्ट में और वो है चार्ज ऑन द आयन, वो क्या होता है चार्ज ऑन द आयन, वो भी मैंने एक बार बात की थी यहां पे, तो लेकिन यह तो अल्कली मेटल्स की बात कर रही है, फिर भी यहां पे मैं सिखाना चाहता हूं कि ग्रेटर द चार्ज ऑन द केटायन, यानी केटायन का चार्ज जितना बड़ा होगा राइट, तो उसकी पोलराइजिंग पोलराइजिंग जो पावर होती है खींचने की जो पावर होती है वो, क्योंकि केटायन का चार्ज कब बढ़ेगा, बाहर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे और अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे, सो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसको पूरी तरह खींचेगा, तो खींचने की वजह से वो एनायन के इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो अपनी तरह डिस्टॉर्ट करेगा, तो उसकी वजह से हमें दिखाई देगा, तो उसके कोवेलेंट कैरेक्टर इसी वजह से क्या होगा, उसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर है कोवेलेंट कैरेक्टर वो बढ़ जाएगा। देखिए मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं, मेरे पास NaCl है, मेरे पास MgCl2 है और मेरे पास AlCl3 है, सभी में क्या है क्लोरीन कॉमन है, लेकिन यहां पे आप देखेंगे Na प्लस और Cl माइनस है, यहां पे क्या है Mg+2 वाला है और यहां पे Al+3 वाला है, तो जैसे 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 यहां पे आप आगे बढ़े गए इसमें दो एक आपको वेरिएशन, इससे इसकी साइज कम हो गई है और इससे इसकी साइज भी कम हो गई है, फिर उसका चार्ज जो होगा वो कैटायन का चार्ज बढ़ गया है, तो बढ़ जाने की वजह से उसकी साइज कम होने की वजह से वो इजीली क्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा, यानी उसका पोलराइजिंग पावर बढ़ रहा है, तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ जाएंगे तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ रहा है राइट। तो इसको इस तरह से भी हम समझा सकते हैं, सिमिलर जैसे यहां पे मैंने आपको दिखाया ना, मैं अपनी तरह से भी एक बात और करना चाहता हूं, मैं यहां पे एक और अपनी यहां पे एनायन का भी अपना एक रोल होता है ना राइट, ग्रेटर द चार्ज ऑन एनायन, यानी एनायन का जैसे चार्ज बढ़ता जा रहा है तो उसका मोर इजीली इट गेट्स पोलराइज देयर बाय इंपार्टिंग अ कोवेलेंट कैरेक्टर। देखिए मैं आपको फिर से यहां पे दिखाना चाहता हूं, मेरे पास NaCl है, फिर मेरे पास Na2SO4 है और मेरे पास Na3PO4 है, तो उसमें क्या हुआ है कि जैसे यहां पे Cl से ज्यादा सल्फेट से ज्यादा फॉस्फेट होता है तो उसकी एनायन की एनायन है ना वो उसकी साइज इंक्रीज हो रही है तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज हो रहा है, सो कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीज एज द साइज ऑफ द एनायन डिक्रीजेस।
तो कुछ इस तरह से हम यहाँ पे अपनी बात है वो यहाँ पे रख सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है? अभी भी एक फोर्थ फैक्टर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं हैलाइड पढ़ा रहा हूं, लेकिन बहुत अच्छी तरह से आप देखेंगे ना तो मैं आपको फजांस रूली पढ़ा रहा हूं फिर से। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द केटायन, यानी जो केटायन होते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की भी बात यहाँ पे समझाई गई है, राइट। अगर कई बात ऐसा, कई बार ऐसा भी होता है कई स्टूडेंट्स ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि सर जी मेरे पास टू केटायन्स है, दो अलग अलग केटायन्स है, लेकिन उसमें चार्ज क्या होता है? तो कि सेम चार्ज है सर जी। और उसकी साइज भी क्या है? तो कि साइज भी सर जी सेम है, तो हम क्या करेंगे, राइट। लेकिन उसमें से जो एक वाला केटायन होता है, एक वाला केटायन, तो उसकी जो जो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो सूडो नोबल गैस की तरह होती है। सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है। सूडो का मतलब होता है 18 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। तो उससे क्या होगा, उसका क्या होगा, तो उससे उसका पोलराइजिंग जो पावर है, पोलराइजिंग पावर वो ग्रेटर होगा, राइट। देन अ केटायन विद अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके पास 18 होते हैं और जिसके पास 8 होते हैं, तो 8 से 18 में, जैसे मैं आपको एक बार यहां पे इसका इस तरह से दिखाना चाहता हूं, मेरे पास CuCl है और मेरे पास NaCl है। समझ में आ रहा है? जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, Cu में भी +1 है और Na में भी +1 है, यानी चार्ज सेम है। आई थिंक सो सोडियम की जो थोड़ी साइज होती है ना, जो वो 1.02 एंगस्ट्रॉम है और इसकी नियर अबाउट 0.96 एंगस्ट्रॉम, यानी उसका, देखिए मैं क्या सिखा रहा हूं आपको, यहाँ चार्ज भी सेम है और साइज भी नियर अबाउट है, बहुत बहुत फर्क नहीं है, दोनों में क्लोराइड कॉमन ही है, तो क्या होगा? तो आपको देखना पड़ेगा कि कॉपर क्लोराइड यहां पे है ना, उसका मोर कोवेलेंट नेचर है, मोर कोवेलेंट नेचर देन NaCl। उसकी वजह क्या होगी? क्योंकि उसके पास सूडो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, राइट। उसके पास 80 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यह सूडो में होता है, तो उसकी वजह से उसका जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो ज्यादा हो गया है कंपेयर टू NaCl। तो ये जो फैक्टर था वो अभी हमने फर्स्ट फैक्टर ही मैंने आपको दिखाया हुआ है पोलराइजिंग इफेक्ट का। अभी मैं दूसरा फैक्टर आपको दिखाना चाहता हूं, वो है लैटाइस एंथैल्पी का। एक बार हमने डाउट सॉल्यूशन में ये जो टॉपिक था लैटाइस एंथैल्पीज, इसके बारे में आपने मुझे क्वेश्चंस किया था और मैंने आपको तभी भी समझाया हुआ था। आज फिर से हम लैटाइस एंथैल्पी, क्योंकि ये तीनों फैक्टर मिलेंगे ना तो ही हमें पता चलेगा कि इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी की बात हम यहाँ पे कुछ समझा सकते हैं। तो यहाँ पे लैटाइस एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? सो यहाँ पे हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट वन मोल ऑफ सॉलिड आयोनिक कंपाउंड इनटू इट्स गैसियस आयंस। यानी जो मेरे पास कंपाउंड है, जैसे मेरे पास NaCl है, तो मुझे क्या करने का, उसको जो सॉलिड कंपाउंड है तो उसको मैं से, उसमें से मुझे वन मोल में से Na प्लस और Cl माइनस दोनों को गैसियस में कन्वर्ट करने के लिए जो भी मुझे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी उसको हम लैटाइस एंथैल्पी बोलेंगे। उसका दूसरा मतलब ये भी हुआ ना कि इवेंचुअली इस तरह से भी हम बोल सकते कि जैसे जिसकी लैटाइस एंथैल्पी होती है, लैटाइस एंथैल्पीज जितनी ज्यादा होती है, राइट, तो मैंने अभी आपको बोला था कि ग्रेटर द लैटाइस एंथैल्पी हायर इज द मेल्टिंग पॉइंट, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा ऑफ द अल्कली मेटल हैलाइड एंड लोअर इट्स सॉल्युबिलिटी इन वाटर, और जो उसकी वाटर सॉल्युबिलिटी होती है, वाटर सॉल्युबिलिटी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि वाटर को ये बॉन्ड तोड़ने के लिए भी अपनी एनर्जी डालनी पड़ेगी, तो वाटर सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। आपको समझ में आ रहा है? मैं आपको जो भी होगा ना वो डेटा से ही आपको समझाना चाहता हूं। जैसे मेरे पास है यहाँ पे लिथियम क्लोराइड है,
दूसरा सॉरी लिथियम क्लोराइड है, मेरे पास सोडियम क्लोराइड है, मेरे पास पोटेशियम क्लोराइड है, मेरे पास रुबिडियम क्लोराइड है, मेरे पास सीजियम क्लोराइड है। देखिए उसकी जो लेटाइस एंथैल्पी का जो डेटा है मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो है -845। ये है मेरे में -770, -703, -674, -644, राइट। मैं पूरा डेटा आपको समझाना चाहता हूं। मेरे पास और भी है, जैसे मेरे पास है NAF, राइट, मेरे पास है NaCl, मेरे पास है NaBr और मेरे पास है NaI। उसकी वजह से मैं इस तरह से भी दिखाना चाहता हूं, मेरे पास है लिथियम फ्लोराइड और मेरे पास है सीजियम आयोडाइड। सभी के मैं डेटा आपको आपको डेटा देखने आपको जरा भी आपको इससे ऐसी जरूरत नहीं कि सर जी मुझे याद रखने पड़ेंगे, नहीं आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? देखिए मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो भी डेटा हो गए लेटाइस एंथैल्पी के वो तो माइनस ही होते हैं। तो इसकी एक पैटर्न मैंने दिखा है, लिथियम ये सभी में क्लोराइड थे, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, जैसे जैसे साइज बढ़ती गई तो उसकी लेटाइस एंथैल्पी कम हो जा रही है। अच्छा एक और पॉइंट यहां पे मुझे देना पड़ेगा, वो है हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी फिर मैं यहां पे सॉल्युबिलिटी की भी बात दिखाऊंगा और फिर मैं यहां पे मेल्टिंग पॉइंट की भी बात दिखाऊंगा। यहां पे जो आप हाइड्रेशन एंथैल्पी देखेंगे वो मैं अभी आपको ये टॉपिक भी समझाना चाहता हूं। पहले मैं डेटा आपको दे दूं, 776 है उसका, -700 है इसका, -60 680 है, -646 है, -919 है, -776 है, -745 है, -685 है, -1019 है और -670 है। ये मैंने जस्ट हाइड्रेशन एंथैल्पी अभी मैं आपको ये पॉइंट समझाना चाहता हूं। सॉल्युबिलिटी की बात यहां पे मैं कर रहा हूं, 63.7 है, यहां पे मेरे पास 35.7 है, यहां पे मेरे पास 34.7 है, यहां मेरे पास 77 है, 162 है, 4.22 है, 35.7 है, 116 है, 184 है, 0.27 है और 44 है। और ये मेल्टिंग पॉइंट की बात यहां पे मैंने दिखाई है, 887 है, 1084 का है, 1039 है, यहां पे 988 है, यहां पे 925 है, फिर यहां पे मैंने 1261 की बात बता रहा हूं, 1084 है, 1028 का डेटा यहां पे चल रहा है, यहां पे 944 है, 1115 है। ओके सिंपल, आपने देखा जो मैंने हाइड्रेशन एंथैल्पी केटाइंस और एनाइंस के बारे में, जैसे मैंने लिथियम की बात कर रहा हूं, ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी हम अल्कली की बात कर रहे हैं, मेटल केटाइंस की बात कर रहे हैं, वो हैलाइड्स के साथ जैसे होती है, जैसे लिथियम की -506 होती है लिथियम की, ये तो मैंने पूरा इसका हाइड्रेशन एंथैल्पी पूरा लिथियम क्लोराइड का यहां पे दिया हुआ है आपको, लेकिन लिथियम की क्या होगी -506, सोडियम की किस तरह से होती है, आपको इसके डेटा भी इंडिविजुअल आपको मिल सकते हैं आपको, लेकिन इसमें जाने की जरूरत अभी नहीं है। देखिए अभी जो मेरा पॉइंट चल रहा था, जो मेरा सी वाला पॉइंट चल रहा था, वो मैं आपके साथ बात कर रहा था हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात कर रहा था, हाइड्रेशन एंथैल्पी। ये हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होता है तो उसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी, अमाउंट ऑफ एंथैल्पी रिलीज्ड व्हेन वन मोल ऑफ गैसियस आयंस कंबाइन विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयंस। मैं क्या समझा रहा हूं आपको देखिए, यहां तो पूरा निकल गया था, M प्लस गैसियस में चला गया था, अभी जो M प्लस मेरा गैसियस में चला गया है वो M प्लस एक्वियस में आएगा, सो वो हाइड्रेशन एंथैल्पी को रिलीज करेगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी को रिलीज करेगा, उसी वजह से X माइनस भी होगा ना, सामने वाला जो एनायन है वो भी X माइनस एक्वियस में आएगा, वो भी हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज करेगा। सो हायर द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ द, जैसे मैंने आपको बोला था कि हाइड्रेशन एंथैल्पी की जो मैं बात कर रहा हूं वो एंथैल्पी जितनी ज्यादा होगी, राइट, ग्रेटर द सॉल्युबिलिटी, उसकी जो सॉल्युबिलिटीज है
वो क्या होगी, ज्यादा होगी। आपको एक बार सोच लीजिए, मेरे पास एक NaCl नाम का एक कंपाउंड है, देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, मेरे पास दो कंपाउंड है, एक NaCl वाला है और दूसरा एक मेरे पास X नाम का कंपाउंड है। अगर NaCl की में लेटाइस एनर्जी ही मजबूत है तो वो पानी, अगर मैं क्या मैं इसको पानी में डालूंगा तो वो हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा निकालेगा, क्योंकि हमारा तो मोटो ही यही है ना कि ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा यानी वो एनर्जी अपनी कम कर देगा तो वो स्टेबल हो जाएगा। अगर उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब यह हुआ कि जो अपने लेटाइस में था उससे तो ज्यादा वो पानी में सॉल्यूबल होकर अपनी एनर्जी ज्यादा निकल रहा है, तो उसका मतलब वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट आपको यहां पे दिखा रहा हूं। सो और ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी का जो कॉन्सेप्ट है वो साइज ऑफ आयन की तरफ ज्यादा चला जा रहा है, तो मोर हाईली जैसे जैसे मैं आपको ज्यादा से ज्यादा उसकी साइज होगी तो वो ज्यादा हाइड्रेटेड हो जाएंगे, तो उसका जो उसकी जो मोबिलिटी है, जैसे मैंने अभी आपको मैं आपको दिखाना चाहता हूं, लिथियम प्लस है, मैं सोडियम प्लस है, पोटेशियम प्लस है, रुबिडियम प्लस है और सीजियम प्लस है, तो उसकी जो साइज है 76 है पाइकोमीटर, 102 है, 138 है, 152 है, ये जो मैंने अभी आपको साइज बताई थी वो आयोनिक रेडियस की साइज है, आयोनिक रेडियस की एक साइज मैंने यहां पे बताई है। तो यहां पे उसका हाइड्रेटेड कितना होगा, 25.3, 16.6, 10.5, यहां पे 10 है और यहां पे 9.9 है, समझ में आ गया। तो इसकी वजह से भी आप देख सकते हैं कि देखिए मैंने अभी आपको यहां पे एक आप डेटा देखिए, यहां पे -845 है और ये 876 है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लेटेस्ट एनर्जी से ज्यादा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी रिलीज हो पा रही है, समझ में आ रहा है आपको। तो जितनी ज्यादा रिलीज हो, देखिए 770, 776, 703, 700, समझ में आ रहा है, 674, 680, 644, 646, तो उसकी वजह से हम कुछ इस तरह से ही दिखा पाएंगे। आज हम थोड़ा यहीं पे रुकेंगे, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आगे थोड़ी, क्योंकि यह मेरा एक कंटिन्यू टॉपिक है, तो मैं आगे थोड़ा आपको यहां पे ले जाऊंगा, समझ में। आप थोड़ी अपना तरह से भी अपना वर्क कर लीजिए।